रिया ने कहा कि मेरे सपने में सुशांत आए, उन्होंने कहा कि अब ये वक्त है कि आप सबको जाके बताओ कि हमारा रिश्ता क्या था और क्या है। तो शायद मुझे लगता है ये काम सुशांत सीबीआई के किसी मेंबर के सपने में आके भी कर सकते थे कि भाई रिया उन जो उनका प्यार है वो बहुत बेकसूर है, आप उनको छोड़ दो, तो उनको ही क्यों बताना था। ये चीज़ें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो पेड पीआर है सबको समझ में आता है कि लगातार एक साथ तीन बड़े मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू दिया गया और उसके बाद उनकी छवि को सुधारने का जो काम हो रहा है लगातार राजदीप सरदेसाई की तरफ से, रिया के फेवर में ट्वीट आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए, उनकी जो उनकी तरफ से जो बड़ी बड़ी अनदेखियां और जो खामियां हुई हैं उसके ऊपर वो लीपापोती करने का काम कर रहे हैं और सीधे तौर से रिया को एक बेचारी अबला नारी बता रहे हैं। वो कह रही हैं कि मेरी माँ को पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, मेरा भाई कभी कॉलेज नहीं जा पाएगा, मैंने जो घर की जी अच्छी तरी आप अगर इस तरीके का की सोच रखती हैं तो आपको खामोश बैठना चाहिए था। वो इंटरव्यू आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े कटघरे में खड़ा कर सकता है क्योंकि आपने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं और बहुत सारे जो इल्ज़ाम आपके ऊपर बनते थे उनको भी आपने सिरे से खारिज किया है, जो कि कल सवालों में सामने भी आए होंगे और आगे भी उनसे सीबीआई इंटरोगेशन करेगी। कल इनसे सीबीआई ने 10 घंटे तक पूछताछ की जहां पर इन्होंने सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की। आज फिर से सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है, तो सवाल यह है कि सीबीआई जिस तरीके से इनके सवालों से संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई ने भी कह दिया है कि अब इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से रिया ने इंटरव्यू दिया उसको आप उनके जो भी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं थोड़ा बहुत नॉलेज हम सब समझ जाते हैं, उनके जो आई मोमेंट्स थे और जिस तरीके से वो बात कर रही थी उससे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि वो कहानियाँ गढ़ रही हैं। जो इंसान दुख में होता है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा होता है तो वो सीधे जवाब देता है या फिर काउंटर करता है, उनसे कोई भी काउंटर नहीं किया गया, उनसे वही सवाल किए गए जो सोचे समझे थे और जिनको लेकर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए। तो वो इंटरव्यू नहीं था, वो पेड सवाल फिक्स क्वेश्चनेयर था और उसका उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया और जहां पर उनको लगता था इंटरव्यूअर बोलते थे अच्छा छोड़िए छोड़िए ये बताइए। तो इस तरीके का इंटरव्यू मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जो लोगों को समझ में आ रहा है, जो कि सुशांत को लेकर एक नैरेटिव बन गया था लोगों का कि सुशांत के साथ गलत हुआ है, उसको बदलने की ये पूरी साजिश है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बचाने की पूरी कोशिश है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिस तरीके का अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या फिर उनके अंडर आने वाला कूपर हॉस्पिटल, ये पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है। क्योंकि मैम यहीं पर काम करने वाला एक कर्मचारी जो खुलासा कर रहा है आज ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को मैंने वहीं से लेके गया था उनके घर से अस्पताल और सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है क्योंकि उनके पैरों में सुइयों के निशान है, उनके चेस्ट पर निशान बने हुए हैं, उनके यहाँ पे मुक्के के निशान है, तमाम तरीके की चीजें उस शख्स ने बता दी है आज के टीवी पर आकर। जी उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने ये बताया है कि हम लोग क्योंकि आए दिन उनका रोज़ का यही काम है, एक दिन में बहुत सारी बॉडीज़ को वो हैंडल करते हैं, उन्होंने यही बताया कि मैं सुशांत को घर से लाने तक और शमशान घाट तक ले जाने तक मैंने उनकी बॉडी को देखा है और जब हमने देखा था हम देखते ही समझ गए थे कि ये सुसाइड नहीं ये मर्डर है। सुशांत के पैरों के तलवे में तीन तीन चार चार निशान सुइयों के थे, यहाँ तक कि उनके पैर के गट्टों को पकड़ने के निशान थे, उनके बाजुओं को पकड़ने के निशान थे, गले में 15-20 सुइयों के निशान थे, डक्ट टेप से उनके गले को दबाया गया था, उसके चिपचिपा होने का जो ग्लू होता है उसके निशान थे, यहाँ तक कि उनके सर पे और उनके आँख के पास मुक्का मारने के निशान थे। तो उन सारी चीज़ों को अनदेखा किया गया। प्लस जो रिया ने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैंने कॉरिडोर से जब वो बॉडी को ले जा रहे थे मैंने सिर्फ 3 सेकंड के लिए सॉरी बाबू उनको बोला, तो उस लड़के ने ये बोला है कि वो आधे घंटे के लिए 25 मिनट के लिए एग्जैक्ट उन्होंने टू बी प्रिसाइज उन्होंने कहा 25 मिनट के लिए वो मौचरी में गई थी और उन्होंने उनके कोई दोस्त थे उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया कि आप बाहर चले जाइए और उन्होंने 25 मिनट तक उनसे माफ़ी मांगी और क्या किया ये उनको नहीं पता। लेकिन किस नियम किस कानून और किस हैसियत से रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी के अंदर भेज दिया गया है, ना तो उनकी फैमिली से पूछा, यहाँ तक कि उनकी फैमिली की किसी भी मेंबर को एग्जैक्टली कोई भी नहीं था उनको, ना वो उनकी वाइफ थी, उनकी सिर्फ लिव इन में रहने वाली गर्लफ्रेंड थी जो उनको छोड़ के चली गई थी। और उन्होंने ये भी बोला कि सुशांत ने 9 तारीख को उनके भाई को मैसेज करके पूछा था कि रिया कैसी है और मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था। और आप उसके बाद कहती हैं कि भाई रिया सुशांत मुझे बुला लेता तो मैं चली जाती और ये हो जाता, ये सब ड्रामेबाजी कर रही हैं और जिस तरीके से वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं तो वो अपने आप को और फंसा रही हैं और डुबा रही हैं। तो सीबीआई के शिकंजे से वो बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो राजदीप सरदेसाई जैसी ग्रिलिंग नहीं कहेंगे, वहाँ पर रियल ग्रिलिंग हो गई। मैम यहाँ पे जिस तरीके की राजीव सरदेसाई का जो कैरेक्टर निकल के सामने आया है, जो सुशांत सिंह राजपूत को ये कह देते हैं कि वो बड़ा एक्टर नहीं था, मुंबई पुलिस के ऊपर इस चीज़ को लेकर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए, बल्कि दबाव क्यों, और यही इतनी बड़ी सुपरस्टार का इंटरव्यू लेते हैं 2 घंटों तक और उसके बाद उसके लिए ट्वीट पर द ट्वीट भी डालते हैं और इन्हीं एजेंसियों की तरफ से इस तरीके की मुहिम चलाई जाती है कि जस्टिस फॉर रिया।
देखिए, सबसे पहली बात तो न्याय हर इंसान जो भारत का नागरिक है वो डिज़र्व करता है, चाहे वो सुपरस्टार हो चाहे वो कोई आम नागरिक हो। रही बात सुशांत सिंह के स्टार होने की, तो वो दुनिया जानते हैं और कि वो कितने बड़े स्टार थे, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड ओवर उनको इंसाफ के लिए मुहिम चलाई जा रही है। और रही बात रिया की कि वो कितनी बड़ी स्टार थी, तो वो उन्होंने पैसे लेके बोला है कि रिया को 2 घंटे का उन्होंने प्राइम टाइम दिया, प्लस उसके बाद लगातार उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। तो ये पैसे वाली पूरी मुहिम है जो कि उनके मुँह से कहलवा रही है कि वो रिया आप तो कहती हैं कि आप इतनी बड़ी स्टार नहीं है, बट आप बताएं आपने ये किया है, और उनको उनकी छवि को सुधारने के लिए पैसा लेकर या किसी इन्फ्लुएंस में ये सारा काम हुआ है और कुछ और नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो है श्वेता कीर्ति, उन्होंने भी कहा है कि जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। देखिए, मैं उनकी बहनों, मेरे खुद भाई हैं, और मैं उसको महसूस भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती कि उन लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी वो इंटरव्यू देखने के बाद, जो हॉस्पिटल का लड़का है उसका देखने के बाद वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि उनके भाई को किस तरीके से बेरहमी से मारा गया, और उसके बाद भी उनके जाने के बाद लोग उनकी इमेज को ख़राब करने की, टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बदतरीन कुछ नहीं हो सकता। आप कह रही हैं कि आप सुशांत के साथ रहती थी, वो आपके पूरे खर्चे उठाते थे, और आप उनके जाने के बाद आप कहती हैं कि सुशांत वॉज लव ऑफ योर लाइफ, और उसके बाद आप उनकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं, तो आप उनसे प्यार नहीं करती, आपसे लव ऑफ योर लाइफ, ये जो वर्ड होता है प्यार वाली चीज़ जो ये कह रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, इन्होंने उस बात पे क्यों नहीं कुछ कहा जब राजदीप सरदेसाई ही इनसे महेश भट्ट को लेकर पूछते हैं कि महेश भट्ट के साथ भी आपकी इस तरीके की चैटें सामने आई हैं, आपने किस तरीके से उनके साथ जो वर्ड्स यूज करे उसके बारे में कुछ बताइए, उन्होंने मुद्दा ही पलट दिया वो सुशांत। मैंने आपसे कहा कि उनका इंटरव्यू नहीं थे जहां पर भी वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी थी उस पे उन्होंने कहा हाँ ठीक है अच्छा तो छोड़िए ये बताइए, वो इंटरव्यू नहीं था, वो कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी गेन कराने की पूरी एक्सरसाइज थी। फिक्स सवाल थे और वही सवाल थे जिन पर रिया के ऊपर सवाल उठ रहे थे, उन्हीं सवालों को लेकर इंटरव्यू किया गया है कि आप सुशांत के खर्चे पर रहती थी, क्या आपने ड्रग में ली है, वो हर चीज़ को सिरे से मानती गई, मना करती गई, और बस ये इंटरव्यू था, उसमें इंटरव्यू नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ उनको उनकी इमेज को सुधारने की पूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे, और आज हमारे साथ हैं अंबर जैदी मैम, और मैम से बात करेंगे जिस तरीके का रवैया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए अब सामने आ रहा है। खैर, ये डे वन से उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी NCP के नेता इसको लेकर बयान देते हैं, तो कभी कांग्रेस के नेता जो शिवसेना की पार्टी वहाँ पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में शामिल है, तो तमाम तरीके के बयान वहाँ से सामने आ रहे हैं। खैर, फिलहाल बात ये भी है कि एक तरफ शिवसेना है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश करते हैं। पहले वो प्राइम टाइम का शो करते हैं और उसके बाद तमाम तरीके की ट्वीट जो कि है वो रिया चक्रवर्ती के पक्ष में करते हैं, तो इसी पे मैम से बात करेंगे। मैम, जैसा रवैया है इसमें जैसे कि गवर्नमेंट का रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे सवाल ये है कि आखिरकार वो किसे बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, इससे साफ नजर ये आता है कि महाराष्ट्र अगाड़ी जो महाराष्ट्र की खिचड़ी सरकार है वो कहीं ना कहीं रिया के पीछे कोई ऐसे बड़े लोग शामिल हैं जिनको वो छुपाने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक कि जानती हूँ रिया का, यहाँ तक कि हमारे सभी जानते हैं कि रिया का प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, उन्होंने कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, उनकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है, वो हिंदुस्तान के सबसे नामी और सबसे महंगे वकील को उन्होंने हायर किया है, प्लस आप देखें 2 दिन पहले उन्होंने किस तरीके से पूरा PR मैनेज किया है, जिसको अगर हम पेड PR कहें तो उसको करना बहुत बड़ी बात है। तो उससे समझ में साफ ये आता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़े लोग शामिल हैं जिनका नाम खुलने का डर महाराष्ट्र अघाड़ी जो महाराष्ट्र की सरकार है, खिचड़ी सरकार, और लगातार जिस तरीके से एंगल सामने आए हैं सरकार से जुड़े लोगों के सीरिया के साथ में जुड़े होने के, और वो उन चीज़ों को छुपाते नज़र आए थे। स्टार्टिंग में जिस तरीके से इस पे जांच होनी चाहिए थी उसको पूरी तरीके से अनदेखा किया गया, कहीं ना कहीं सुशांत के मर्डर केस को सुसाइड बता दिया गया 15 मिनट के अंदर ही अंदर। पुलिस बोलती है, यहाँ तक कि सरकार के जो वहाँ के नुमाइंदे हैं वो लगातार यही बोल रहे थे कि ये सुसाइड केस है, इसमें कुछ नहीं है। अब जबकि जब ड्रग का एंगल सामने आता है CBI के द्वारा, जब उन्होंने रिया के फ़ोन का बैकअप ले लिया और उन्होंने पिछले 3-3.5 सालों की जो चैट सामने आई है उसमें रिया के ड्रग पैडलिंग में शामिल होने की और जो बड़े ड्रग पैडलर्स हैं उनके साथ लगातार कनेक्शन में होने की चीज़ें सामने आई हैं, तो उस पर अनिल देशमुख जी ने लगातार उस पर कॉमेंट करने से मना कर दिया। तो जब आपको जहां पर कॉमेंट करना चाहिए था वहां तो नहीं किया, और यहां पे जहां पे करना चाहिए, जहां पर आपकी जवाबदेही बनती है उस पर आप
एकदम उसको इससे इनकार कर देते, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े नामों का, कुछ बड़े लोगों के शामिल होने की इसमें खूब आशंका है। और जिस तरीके से हमने देखा कि एक बड़े चैनल पर 2 घंटे का इंटरव्यू किया गया एक प्राइम सस्पेक्ट का, जो सबसे बड़ा अपराधी नंबर एक है, जिसको उन्होंने अपने बड़े बड़े अपने प्रोमोज में भी डाला था, अपराधी नंबर एक है, तो उसको इंटरोगेशन होना चाहिए था, ना कि उसका इंटरव्यू होना चाहिए था। इतना बड़ा इंटरव्यू तो विदाउट ब्रेक शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी नहीं हुआ है। आप एक अपराधी को या जो एक सस्पेक्ट है उसको आप बेचारी अबला नारी बनाकर फिक्स सवालों के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद भी लगातार उसके फेवर में इंटरव्यू करते हैं कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, वो कितनी स्ट्रांग है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको उनके लिए कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने का जो प्रोसेस चलाया है उन्होंने, उसमें मुझे लगता है वो किसी हद तक कामयाब होने की उन कोशिश भी की है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बाद से रिया के फेवर में लगातार बात कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो एक तरफा लगातार सुशांत को लेके लोगों के सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे थे उसको बदलने की कोशिश की है, ठीक सीबीआई की जांच से एक दिन पहले सीबीआई ने उनको समन किया था और उनसे सवाल किया 8-9 घंटे की इंटरोगेशन में, जी 9-10 घंटे की इंटरोगेशन रही, उसमें उससे पहले आप उनसे उनका इंटरव्यू रखते हैं तो इसका मतलब क्या है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीबीआई उस इंटरव्यू को भी आधार बनाकर, क्योंकि रिया ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं, सबसे पहले तो वो ये बोलती हैं कि मैं सुशांत उनके उनका प्यार थे, और उनको वो नशेड़ी गंजेड़ी भी बता देती हैं, उनके पिता का चरित्र हनन करती हैं, उनका खुद का चरित्र हनन करती हैं, उनकी बहन पर सवाल उठाती हैं, उनके यहाँ तक कि उनकी फीमेल फैंस को सौतन बता देती हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि रिया उनका खुद का चरित्र कैसा है। अगर वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है या वो बेचारी हैं, तो वो सवालों का सीधे जवाब देती हैं, यहाँ तक कि आप पूरे आधे इंटरव्यू में आप देखेंगे तो वो हंसती मुस्कुराती और खुश होती दिखाई देंगी, यहाँ तक कि लोगों पर ताने और छींटाकशी करती दिखाई देंगी, और आधे इंटरव्यू में वो कहीं ना कहीं रोती और बेचारी अपने आप को दिखाती नजर आएंगी, जिसका साफ पर्पस ये था। और जिस तरीके से सवाल उन्होंने इंटरव्यूअर ने किए, मुझे लगता है कि जो एक मास कम्युनिकेशन का आप इंटर्न भी हो तो उससे बेटर सवाल कर सकता था। उन्होंने उनके किसी भी जवाब में क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की है, उन्होंने वो सवाल नहीं उनको क्यों दे रहे थे कि आपको अब ये बोलना है, उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे गए उनको उन्होंने बोल दिया सब बेसलेस है, और जो उनको सवाल पूछने चाहिए थे जो कि पहले भी आ गए थे, सीबीआई ने उनके फ़ोन का बैकअप लिया था, उनसे ड्रग के एंगल को पूछा कि नहीं मैंने कभी नहीं लिया, आप मैं टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, बाकी सब इल्ज़ाम बेसलेस हैं, तो ये किस तरीके का इंटरव्यू था। मैम एक तरफ इस तरह की मीडिया, चाहे वो आज तक हो, NDTV हो, CNN हो, तमाम तरीके के चैनल रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, पहले ये चैनल ही इसका इंटरव्यू लेते हैं रिया चक्रवर्ती को, और बाद में रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के फेवर में ट्वीट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ राजदीप सरदेसाई की। आखिरकार राजदीप सरदेसाई दोनों पक्षों के रिपोर्टर क्यों बने हुए हैं, वक्ता क्यों बने हुए हैं, उन दोनों की ऐसा लगता है कि वो एडवोकेट हैं दोनों के। देखिए मैंने वही कहा कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, दोनों पक्षों को सुनना ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप टीवी पर बैठकर पूरा ट्रायल कर रहे हैं, कोर्ट रूम ट्रायल आपने बना लिया है, कोर्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है, मीडिया चैनल ही डिक्लेयर कर देंगे कि सुशांत का कल्प्रिट कौन है कौन नहीं है, तो आप ये काम कोर्ट को कर लेने दें। आप सिर्फ अगर आपको रिया का पक्ष दिखाना था तो आपको उनसे बेहतर सवाल करने चाहिए थे, या फिर रिया ने कहा कि मेरे सपने में सुशांत आए, उन्होंने कहा कि अब ये वक्त है कि आप सबको जाके बताओ कि हमारा रिश्ता क्या था और क्या है, तो शायद मुझे लगता है ये काम सुशांत सीबीआई के किसी मेंबर के सपने में आके भी कर सकते थे कि भाई रिया जो उनका प्यार है वो बहुत बेकसूर है, आप उनको छोड़ दो, तो उनको ही क्यों बताना था। ये चीज़ें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो पेड पीआर है सबको समझ में आता है कि लगातार एक साथ 3 बड़े मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू दिया गया, और उसके बाद उनकी छवि को सुधारने का जो काम हो रहा है लगातार राजदीप सरदेसाई की तरफ से, रिया के फेवर में ट्वीट आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए, उनकी जो उनकी तरफ से जो बड़ी बड़ी अनदेखियां और जो खामियां हुई हैं उसके ऊपर वो लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, और सीधे तौर से रिया को एक बेचारी अबला नारी बता रहे हैं। वो कह रही हैं कि मेरी माँ को पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, मेरा भाई कभी कॉलेज नहीं जा पाएगा, मैंने जो घर की जी अच्छी तरी आप अगर इस तरीके का की सोच रखती हैं तो आपको खामोश बैठना चाहिए था। वो इंटरव्यू आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े कटघरे में खड़ा कर सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं और बहुत सारे जो इल्ज़ाम आपके ऊपर बनते थे उनको भी आपने सिरे से खारिज किया है, जो कि कल सवालों में सामने भी आए होंगे और आगे भी उनसे CBI इंटरोगेशन करेगी। तरीके से चार चैनलों ने तमाम कोशिश की हों, पार्टियों ने तमाम कोशिश की हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के IP सिंह हों या फिर महाराष्ट्र के तमाम नेता हों जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश की, लास्ट
सवाल ये कि जो 130 करोड़ की जनता है जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय के लिए लड़ रही है, और जो तीनों टीमें अब सुशांत रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गई हैं, सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स, तीनों टीमें अब रिया के चक्रवर्ती के पीछे, तो क्या ये बच पाएंगी अब? देखिए, इनका बचना तो मुश्किल है, क्योंकि अब हॉस्पिटल का जो लड़का है उसका भी सामने बयान आया है, उसके बाद जो ये एनसीबी उनके पीछे पड़ गई है, तो बहुत सारे जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको भी उठाया गया और उनसे बातचीत कर रहे हैं जी। तो वो एंगल मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर मामला है, तो इतनी आसानी से तो बच नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ जो आईपी सिंह और इस तरीके के लोग इसको बीजेपी वर्सेस विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण लड़की के साथ ये हो रहा है वो, यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत की बात नहीं है, यहाँ पर बात सही और गलत की है। एक लड़की ने एक लड़के के साथ गलत किया है या उसके साथ कहीं नहीं गलत भी किया है, तो आप इंतज़ार कीजिए, इंसाफ और जो भी होगा पता चल जाएगा, जो भी सही है, अगर रिया बेकसूर है तो भी पता चल जाएगा। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, आप क्यों इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं? जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं सुशांत के साथ, उसको आप कम से कम उसकी बेइज्जती ना कीजिए इस तरीके से कि एक ब्राह्मण लड़की के साथ बीजेपी उसको फांसी पर लटकाने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत ही गलत है, और एक स्टार के और एक बेहतरीन इंसान की मौत के साथ ये मोनेटाइजेशन होना, यहाँ तक कि एक उनके लिए एक फिल्म रिलीज़ करने की बात हो रही है। उनकी बहन श्विता कीर्ति ने भी बोला है कि बायकॉट किया जाए, मुझे लगता है बायकॉट नहीं, इस पे उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली की इजाज़त के बिना वो एक उनके ऊपर फिल्म नहीं बना सकते। मुझे लगता है वो फिल्म में सुसाइड का एंगल दिखाएंगे कि उन्होंने नेपोटिज्म के चलते सुसाइड कर ली, और बहुत सारे लोगों का उससे नैरेटिव ही बदल जाएगा। जिस तरीके से रिया के इंटरव्यू के बाद लोगों के कहीं ना कहीं कुछ लोगों दिमाग में उनको लेकर उनकी तरफ भावनाएं भी आई होंगी, तो मूवी अगर आ जाएगी तो लोगों की शायद सोच भी बदल सकती है। तो इस तरीके की उनके केस का फैसला आने से पहले अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, उनकी फैमिली को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के अगेंस्ट। धन्यवाद मैम।